I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. Present indefinite tense लाया हूँ मैं आपके लिए. Present indefinite tense सबसे कठिन माना जाता है. इसको simple present भी कहते हैं. Tense में ये प्रमुख रोल अदा करता है. यदि आपको present indefinite नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आप अंग्रेजी कभी बोल ही नहीं पाएंगे. देखें कैसे इसको सीखा जाए. इतनी आसानी से चुटकियों में आज आप सीख लेंगे इसको. दो भागों में विभक्त कर दो इसको. दो भागों में मैंने लाइन खींच दिए. एक ये भाग है, एक भाग ये है, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं एक, और दूसरा भाग ये है. पहले भाग में आप कर्ता देखें, कर्ता के अनुसार होता है इसमें सब कुछ. आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपने देख लिया है कि हिंदी आपको पता ही होगी. प्लूरल सब्जेक्ट इसको कहते हैं, बॉयज है, गर्ल्स है, चिल्ड्रन है, पीपल हैं, यानी और लोग बाग हैं. तो इस तरीके से इसको दो भागों में बांटेंगे. पहला भाग ये हो गया, अब दूसरा भाग बताऊंगा. ही शी इट और किसी का भी नाम. ही शी इट और किसी का भी नाम, इसकी हिंदी आप जानते ही होंगे. इट जानवरों के लिए आता है, निर्जीव चीजों के लिए आता है. नेम राम श्याम घनश्याम कोई भी हो सकता है. सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के साथ ये नियम चलेंगे. अब मैं नियम बताऊंगा. सबसे पहले इसके नियम बताऊंगा, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के. इसमें क्या होता है कि साधारण जो है पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, वी ईट फूड, यू ईट फूड, दे ईट फूड, अर्थात इसके साथ जो नियम चलता है वो ये है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है. नहीं होता है. इतने देखिए, ये लिखे मैंने प्ले लाव से ईट. किसी के साथ भी एस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया, इनके साथ होता ही नहीं है. देखें उदाहरण के तौर पर जो मैंने सेंटेंस दिया है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं. अब देखें ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, मैं खाना खाता हूं. अब नेगेटिव सेंटेंस देखें. नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लग जाएगा सबके साथ. डू नॉट कर्ता लगाओ, कर्ता के सीधे बाद, यानी कर्ता ये चीज है, कर्ता के सीधे बाद डू नॉट लगा दो. आई डोंट ईट द फूड, आई डोंट ईट या आई डू नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं. आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं. ये हो गया नेगेटिव वाक्य. अब देखें इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे इसके. डू उठा करके ये वाला डू शुरू में दो. डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं. अब यदि आपको शब्द लगाने हैं जो इंटरोगेशन के वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, वे शब्द लगाने, तो वे शब्द डू से पहले आ जाएंगे. ये डू लिखा है, डू से पहले वे शब्द आ जाएंगे. वाई डू आई ईट फूड, मैं खाना क्यों खाता हूं. इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं. ये एक भाग हो गया. दूसरा भाग देखें. दूसरा भाग ही शी इट और नाम है. कोई भी नाम हो सकता है, राम श्याम घनश्याम कुछ भी. डज नॉट का प्रयोग होता है इनके साथ नेगेटिव वाक्यों में. और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है. जैसे प्लेज है, प्ले का प्लेज हो जाएगा, लाफ का लाफ्स हो जाएगा, टेल का टेल्स हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा. उदाहरण के तौर पर भी देख लें, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है. वह खाना नहीं खाता है में क्या करेंगे नेगेटिव वाक्यों में, ही डज नॉट ईट फूड. डज नॉट का प्रयोग करेंगे कर्ता के सीधे बाद. इसमें डू नॉट का किया था, इसमें डज नॉट का कर दो, इतना अंतर है. और डज या डू का प्रयोग होने पर क्रिया में एस या ईएस वाला नियम ही खत्म हो जाता है. फिर कभी नहीं लगता है, डू लग जाए या डज लग जाए अगर वाक्य में, तो कभी भी एस या ईएस का प्रयोग होता ही नहीं है फिर क्रिया में. ही डज नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता है. डज ही ईट फूड, क्या वो खाना खाता है, अर्थात डज शुरू में आ गया. वाई डज ही ईट फूड, वो खाना क्यों खाता है, तो डज से पहले बिल्कुल इसके अनुसार ही डज से पहले वाई आ जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है.
इस तरीके से डज का वाक्य के शुरू में प्रयोग होगा, किन वाक्यों में, क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये आपके सामने मैंने पूरी तस्वीर इसकी खींच दी है, ध्यान रहे कि कभी भी इसमें गलती ना करें। यदि इसको दो भागों में नहीं बांटेंगे फिर आपस में घुल मिल जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।